ये एक फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन तो स्कूल में किसी को नहीं कराया, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें दोनों कैश बुक पासबुक है, कराया या नहीं कराया? वैसे मैं बता दूं, एक सिर्फ यही क्वेश्चन है जो असली क्वेश्चन है, बाकी तो क्वेश्चन नकली है। और असली क्वेश्चन तुम्हारे को कराया नहीं है और मैंने भी अभी तक नहीं कराया, क्योंकि तुम्हारे जस्ट सिलेबस में नहीं है, वरना काम तो असली ये है। अभी तक तो तुम जैसे बारात में आए हुए थे, चार तक क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बैठा के पुचकार के तुम्हें एक एक एंट्री बता दी, बेटा ये गलतियां हैं, इनको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें रियलिटी में जेन्युइन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सिखाता है, क्योंकि वह तुम्हें बुलाता नहीं है और बैठाता नहीं है और तुम्हें बताता नहीं है कि गलतियां क्या हुई है। यह है जेन्युइन वे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर तुम किसी कंपनी में अकाउंटेंट लग गए तो कौन तुम्हें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के एरर ढूंढ ढूंढ के देगा? कौन देगा भाई? लाला जी देंगे जिसके यहाँ पे तुम काम करते हो। उन्होंने रखा तुम्हारे को किस लिए? तुमसे काम कराने के लिए रखा है, ना कि खुद काम करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारे कान खींचेंगे और कहेंगे भाई ढूंढ कहाँ गलती हुई है, ये पकड़ कैश बुक, ये पकड़ पासबुक, दोनों दे दिए इसमें, कैश बुक भी और पासबुक भी। और तुमसे कहा जाएगा भैया आप मुझे टैली करके दो, देखो नलायक इसके अंदर कैश बुक के अंदर बैलेंस कितना है, लास्ट में निकल रहा है 7,800, और बैंक से जो स्टेटमेंट आई है कहां गए मेरे पैसे 6,750। तू धोखेबाज है, तू चोर है, तूने मेरा पैसा जो है कहीं ना कहीं मिसयूज किया है। और ऐसे तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं कि चोरी तूने कर ली है, और तुम्हारे को क्या पकड़ा के चला गया, वो कैश बुक और पासबुक। ये है असली बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और खुद ढूंढना पड़ेगा क्यों पासबुक का बैलेंस कैश बुक से टैली नहीं हो रहा है। और ये तो साफ नजर आ रहा है टैली तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कैश बुक के अंदर बैलेंस है 7,800, ज्यादा है, और बैंक से जो उन्होंने स्टेटमेंट की कॉपी हमारे मुंह पे मार के गए हैं कि देख कितना बैलेंस है, कितना 6,750 डिफरेंस आ रहा है, और हमारे ऊपर धोखाधड़ी के आरोप भी लगा दिए गए। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम इसे टैली कराएं। सर में आ गया, रियल प्रॉब्लम हमारे सामने क्या होती है, ये तो किताबी बात है कि आपको ढूंढ ढूंढ के एंट्री दे दी, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक चार्जेस, असलियत है ये। तो आज तुम्हें सीधी सीधी बात, असलियत भले ही सिलेबस में है चाहे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ का रियल लाइफ में यूज़ जानना है तभी वो चीज़ हमें लगता है कि हाँ काम की है, वरना किताबी बात है, वरना हमारा अकाउंट्स में शौक भी नहीं पैदा होता कि अरे क्या करना है। अब यहाँ पे साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम तो रियल लाइफ में आ सकती है ऐसी, और लाला जी गुस्सा भी बड़ा होंगे कि पासबुक का टोटल कैश बुक से टैली क्यों नहीं कर रहा। तो हमारा फर्ज है टैली कराना। अच्छा, इसमें आपको एक लिबर्टी मिलेगी और एक एडवांटेज मिलेगा, और थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी। पहली बात तो ढूंढना पड़ेगा खुद ही अपने आप से कहाँ मिस्टेक हुई है। क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारे पास दोनों बुक के बैलेंस हैं, कैश बुक का बैलेंस भी और इसका, मतलब पहली बार शुरुआत जिससे मर्जी कर सकते हो। अगर तुम कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करते तो 7,800 से शुरुआत करोगे, और अगर पासबुक के बैलेंस से शुरू करते हो तो 6,750 से शुरुआत करोगे। और आंसर भी पता है, क्योंकि कैश बुक के बाद पासबुक का क्या आंसर लाना है ये भी हमें पता है। तो ये हमारा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि बीच में कहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया। चलो कोई बात नहीं, हम इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, काम तो वही करेंगे, प्लस और माइनस और पर्टिकुलर्स, और ऊपर लिखेंगे क्या बना रहे हैं भाई, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। शुरुआत कर लेते हैं जिस मर्जी बैलेंस से, कौन से बैलेंस से शुरुआत करते हैं, चलो कैश बुक के बैलेंस से। बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है अभी कैश बुक में, 7,800। लाज बचानी है अब हमें अपनी, ठीक है, हमें साबित करना है कि हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। ये कुछ और कारण है जिसकी वजह से पासबुक में बैलेंस थोड़ा कम शो रहा है। इसके लिए सबसे पहले जो एंट्री कैश बुक में दर्ज हो गई है, वो एंट्री अगर पासबुक में भी आ रही है तो क्या उसने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी? अगर आपने कैश बुक में जमा किए 10,000 और उसकी एंट्री पासबुक में भी नज़र आ रही है तो क्या उसने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी? कौन सी एंट्री प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो किसी भी एक बुक में रिकॉर्ड हुई है और दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले
टिक मार कर लेते हैं कि कहां पर ध्यान नहीं लगाना है, कौन कौन सी एंट्रियां आ गई हैं बैंक की स्टेटमेंट में। तो देखो शुरुआत पहले चेक करते हैं शुरुआत सही है कि नहीं है, क्योंकि कई बार शुरुआत में ही प्रॉब्लम होती है। हमारा कैश बुक में शुरुआत में बैलेंस है कितना, 10,500। जब चेक करना बैंक की जो स्टेटमेंट है उसमें भी बैलेंस शुरुआत में इतना ही है ना, हाँ जी इतना ही है, टिक मार कर दो। हाँ जी बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बैलेंस को टिक मार कर दो कि बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा उसके बाद 10 तारीख को तुमने 1800 रुपये कैश जमा कराया, कैश बुक का डेबिट पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। चेक करना तुमने 1800 रुपये डिपॉजिट कराया, कभी कभी दो चार दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, वैसे डिपॉजिट तो सेम डे ही हो जाता है लेकिन चेक वेक की एंट्री में दो चार दिन की डेट आगे पीछे भी हो सकती है। आपने 1800 रुपये जमा कराए, जब चेक करना बैंक में जमा हो गए पैसे या नहीं हो गए, हाँ जी हो गए, टिक मार कर लो 1800, दोनों टिक मार कर लेना कि भाई ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अनिल से 1300 रुपये यहाँ पे जमा हुए, चेक करना भी अनिल के चेक 1300 रुपये की एंट्री यहाँ पे आई है ना, भी ना, इधर कैश में तो तुम्हारे को 1300 रुपये नज़र आ रहे हैं लेकिन बैंक की स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में 1300 रुपये की एंट्री नज़र नहीं है, गोला लगा लो भैया ये प्रॉब्लम है एक। आगे राजन के 2200 की एंट्री वो नज़र आ रही है, हाँ जी डेट में फ़र्क है थोड़ा सा, दो चार दिन आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2200 की एंट्री 2200 से टैली हो रही है। उसके अगली एंट्री गीता की 1600 रुपये की है, वहाँ पे तो एंट्री है, वहाँ पे तो ढूंढने पर नज़र नहीं आ रही, तो इसको भी गोला लगा दो, दूसरी मिस्टेक पकड़ में आ गई है जो कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है। तीसरी सोनिया 1500 रुपये नहीं है, तीन मिस्टेक तो हमें कैश बुक में मिल गई है जिसमें कैश बुक में तो एंट्री हुई है और पासबुक में एंट्री ढूंढने पर भी नहीं मिली है। अब आ जाते हैं कैश बुक की क्रेडिट साइड में, सबसे पहले भावना की एंट्री है 1000 पे क्रेडिट, देखो यहाँ पे क्रेडिट तो वहाँ पे डेबिट होनी चाहिए, डेबिट है, हाँ जी है डेबिट, भावना की एंट्री 1000 पे की डेबिट है, टिक मार कर दो। फिर सुनील 800 रुपये, हाँ जी सुनील भी है, थोड़ा दिन आगे पीछे हो सकते हैं उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन एंट्री दो चार दिन आगे पीछे भी हो कोई दिक्कत नहीं है। दीपक 1200 रुपये की एंट्री है ही नहीं, गोला लगाओ इस 1200 रुपये के ऊपर भी। और उसके अलावा कैश 2000 पे, वहाँ पे भी देखो कैश 2000 पे टैली कर गया ओके है फ्री है। उसके बाद दिनेश 1100 रुपये, हाँ जी दिनेश भी वहाँ पे आ गया है, टैली कर गया ये भी। अगली एंट्री उसके अंदर है 1400 रुपये के इंश्योरेंस की, वहाँ पे तो एंट्री नहीं, गोला लगाओ इसके ऊपर भी, तुमने चेक दे दिया है पेमेंट कर दिया लेकिन अभी तक लगा नहीं है वो चेक बैंक में। मिस्टर वर्मा 450 रुपये, भैया नहीं है वहाँ पे, ये वर्मा जी को चेक दिया है, कृति कोई दूसरी है कोई, ये दोनों की सेम नहीं है, सिर्फ अमाउंट से अमाउंट टैली नहीं करना, नंबर चेक नंबर से चेक नंबर टैली होना चाहिए, पर्सन से पर्सन टैली होना चाहिए, तो ये 450 की एंट्री नहीं है वहाँ पे। उसके बाद फिर फर्नीचर है हमारा कितना, 1150, हाँ जी फर्नीचर मार्ट दुकान के नाम से चेक बनाया होगा, ये टैली कर रहा है हमारा 1150 और 1150, क्लियर है। और उसके बाद फिर बैलेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने रख लिया है। अच्छा जो बैलेंस इस बैंक की स्टेटमेंट में टिक मार्क नहीं हो पाए उन पे भी गोले लगा दो, एक 450 की एंट्री पे गोला लगेगा, कृति की एंट्री है, एक 1450 की, एक नेहा की एंट्री है उस पे गोला लगेगा क्रेडिट साइड में। और उसके अलावा टेलीफोन बिल 750 और एक उसके बाद 30 रुपये के बैंक चार्जेस और 80 रुपये का इंटरेस्ट, गोले निकाल लिए आपने सारे, ये जितने भी गोले लगाए ये सारे के सारे प्रॉब्लम है, और जब मैं इन प्रॉब्लम को यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट में डाल दूंगा तो मेरी एंट्री टैली हो जाएगी। अब कॉज ढूंढते हैं सबसे पहले कैश बुक की डेबिट साइड में जो गोले लगे हैं वो तीन गोले लगे हैं, पहला अनिल के नाम का, दूसरा गीता के नाम का, तीसरा सोनिया के नाम, तीनों ही लोगों के नाम है। अब जब सोचो कैश बुक में डेबिट हो गया मतलब कैश बुक में बैलेंस बढ़ चुका है, और गोला लगा है मतलब पासबुक में इसकी एंट्री नज़र नहीं आई है, तीन लोगों से चेक तुम्हें मिल चुके हैं तभी तुमने कैश बुक में डेबिट किया लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुए, पासबुक में एंट्री नज़र नहीं आई है, तो सबसे पहले हमें कारण मिल गया क्या, अब कारण भी खुद ही लिखना पड़ेगा, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड, चेक रिसीव तो हो गए हैं बट क्लियर नहीं हुए हैं, और तीनों चेक का टोटल अमाउंट बताओ तीनों जोड़ के कितने के हो जाएंगे, एक 1300 का चेक है, दूसरा इसके अंदर 1600 का चेक है और तीसरा इसमें 1500 का चेक है, 4400 के चेक हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से वैसे बता देता हूँ, आपको नज़र ही आ रहा है कैश बुक और पासबुक इधर तो जमा हो चुके हैं, ये 4400 हमने कैश बुक में जमा किए हैं, दिख रहे हैं हमें, अब तो कोई छुपा नहीं है लेकिन पासबुक में एंट्री नज़र नहीं आई है, और हमारा टारगेट इसमें कौन सा बैलेंस जानना है, पासबुक का। बताइए इस एंट्री से पासबुक में बैलेंस इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिक्रीज है, हमारा बैलेंस बढ़ा है, हमारा बैलेंस बढ़ा है, हमें अपनी नहीं दूसरे की बात करनी है, हमारा बढ़ा है मतलब दूसरे का कम हो गया है, 4400 रुपये यहाँ पे माइनस में डालने पड़ेंगे, क्लियर है। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में,
क्रेडिट साइड में आपने जो गोले लगाए हैं इसके अंदर टोटल तीन गोले लगाए हैं, एक दीपक है, एक इंश्योरेंस है और एक वर्मा है। ये तीन जो आपने गोले लगाए हैं तीनों में आपने पेमेंट की होगी, पेमेंट की होगी, लेकिन ये चेक बैंक तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, अभी चेक हमने तो इशू कर दिए, चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक। अब रीज़न पता नहीं उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, क्या नहीं हुआ, डिसनर हो गया, क्या हुआ, लेकिन पेड नहीं हुआ। कितने के हैं तीनों चेक मिला के अगर देखें तो एक हमारा इसके अंदर 1200 है, दूसरा इसके अंदर हमारा 1400 है और तीसरा इसमें है 450। तो हमने तो चेक बना के दे दिए 3050, उधर बैंक से कोई भी चेक क्लियर नहीं हुआ। बताइए इस एंट्री से जो मेरी टारगेट बुक है पासबुक से बैलेंस प्लस में चल रहा है कि माइनस चल रहा है? प्लस में चल रहा है, तो 3050 प्लस कर दीजिए, ठीक है जी। यहाँ से तो हमने कैश बुक में तो झंझट जो थे वो सारे दो एंट्री में निपटा दिए। अब आ जाते हैं पासबुक में कितने गोले लगे हैं। एक तो इसके अंदर जो डेबिट साइड है, डेबिट माने पैसे कटे हैं, पैसे विड्रॉल ऊपर लिखा भी है, कृति का पैसा निकला है, टेलीफोन का बिल का पैसा निकला है और 30 रुपये इसके अंदर जो है वो बैंक चार्जेस है। तीन बार पैसे निकले हैं। अब आपको इनके कारण ढूंढने पड़ेंगे। भाई कृति को हमने पेमेंट कर दी है, कृति जो हिसाब से नाम लग रहा है इसका मतलब हमने चेक उसको दे दिया होगा, बट कैश होकर लिखना भूल गए होंगे, तभी तो पेमेंट बैंक से हो गई है। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई कैश बुक में आपने लिखा नहीं, कृति की पेमेंट हो रखी है यहाँ पे 450 रुपये की, तो कैश बुक में लिखना चाहिए था। आपने चेक दिया होगा, अब बैंक वाले ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन आपने मिस्टेक कर दी और इस वजह से हमारे बैंक से पैसा 450 निकला हुआ है और पासबुक में से तो निकल गया लेकिन कैश बुक में से नहीं निकला, हमने लिखा ही नहीं। तो बताइए इस समय टारगेट बुक में बैलेंस क्या चल रहा होगा, माइनस, तो 450 माइनस। और अगली, बैंक ने टेलीफोन का बिल भर दिया होगा, डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं लोग, करवा देते हैं। तो अगली एंट्री को मैं क्या नाम देता हूँ, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, जो कि टेलीफोन का बिल था। आप चाहें तो इसको भी इसमें कवर कर सकते हो क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। आपके बैंक से कितने पैसे निकल गए, 750 रुपये, हमें तो पता ही नहीं था। बैंक का बैलेंस 750 कम हो गया, माइनस कर दो। और एक तो बैंक के चार्जेस ही हैं, वो तो हमें पता ही नहीं होते। कितने पैसे, 30 रुपये, इधर तो एंट्री हुई नहीं है, तो 30 रुपये। अगली एंट्री बनाते हैं ई एंट्री, बैंक चार्जेस, और इसमें भी हमारा बैलेंस कम कर दिया जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं क्रेडिट में कितने गोले लगे हैं, दो गोले लगे हुए हैं इसमें, एक 1450 का और एक इसके अंदर 80 रुपये का। और बैंक के क्रेडिट का मतलब बैलेंस बढ़ा है, दो वजह से बैलेंस बढ़ा है। एक तो 1450 नेहा ने जमा कराए हैं, हम मान लेते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर होगा, ठीक है ना, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। और भी आप कुछ मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। बैंक में जमा हुए 1450 और इधर तो जमा ही नहीं हुए, तो हमारे पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और क्या रीज़न हो सकता है, चेक पेड इन टू बैंक बट ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई चेक मिला था बैंक में डाला है, कैश बुक लिखना भूल गए, ये भी रीज़न लिख सकते, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लास्ट, इंटरेस्ट जमा हुआ अभी जी एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया और बैंक के इंटरेस्ट देने से हमारे पासबुक में 80 रुपये जमा हो गए हैं और कैश बुक में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट बुक प्लस हो गई है, तो हमें भी अपने आंसर में क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा। अब 6750 का आंसर अपने आप आएगा, देखो 7800 है, फिर 3050 है, फिर 1450 है और उसके बाद 80 है, ये हो रहा है 12380। आंसर तो हमें पहले से पता है, -4400, -450, -780 और फिगर आ रही है 6750, जिसे क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। भाई बैलेंस एज पर पासबुक ये है, ये अपने लाला जी को दिखा देंगे, भैया जी देखो जी हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की, देखो जी ये हमारी एंट्री थी इसमें इतनी इतनी है। हाँ कुछ हम कारण मानते हैं, कुछ गलतियों का पता चले, लेकिन धोखाधड़ी नहीं हुई है,
धोखाधड़ी नहीं हुई है, हमने कोई आपका एक रुपया भी कहीं पे चोरी नहीं किया है, आपको पूरी डिटेल दी है कि मिसमैच के कारण क्या रहे हैं, ये कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, मानते हैं गलती हुई है। जैसे इसके अंदर कौन सी गलती हमारी हुई है, इसके अंदर एक तो है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये हम अपनी गलती मानते हैं। इसमें तो हमारी गलती भी नहीं, हमने तो चेक बना के दे दिया, पार्टी अगर नहीं ले रही पेमेंट तो हम क्या करें, हमने तो चेक बैंक में जमा करा दिया, क्लियर नहीं हो रहा तो हम क्या करें, ये अपनी गलती मानते हैं कि चेक हमने इशू कर दिया था लेकिन मिस्टेक से लिखना भूल गए। और डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, ये हमारी मिस्टेक है जो कि बाद में हमें नॉलेज हुई है। उसके अलावा बैंक के चार्जेस भी हमें ठीक करने होंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर भी ठीक करना पड़ेगा, और ये सारे के सारे काम हैं जो हम अपने बुक्स में अपडेट करेंगे, लेकिन जो ऊपर की एंट्री है उसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर है, कंप्लीटेड सिलेबस में नहीं है। इस तरफ मैंने तुम्हें इस चैप्टर का कंसेप्ट बताने के लिए कराया, इसलिए नहीं कि तुम्हारे मार्क्स इससे आ जाएंगे, मार्क्स तो नहीं आएंगे इससे, लेकिन तुम्हें इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, रियलिटी में जो ट्रांजैक्शन वो देता है, इतनी सारी एंट्री वो छाप के हमें दे देता है, उसका मतलब तो थोड़ा सा कॉमन पता होना चाहिए कि आखिर उसने जो एंट्री दी थी कैसे उसने एंट्री निकाली। भाई ये सिचुएशन हमने भी क्रिएट कर दी है, वो कैशबुक पासबुक हमारे सामने रखे तो ये सिचुएशन हमें बनानी पड़ती है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने तुमसे डिस्कस किया जो रियल लाइफ के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड है। और आपको क्या लगता है कौन सी जगह पे तुम जॉब करोगे और तुम्हें ये स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, कैसा हो सकता है कि तुम्हारे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े रियल लाइफ में, कहीं पे भी जॉब करोगे मिसमैच आएगा नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम हो जाएगी, चेक काट के दोगे जमाने होंगे और लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे, लोग तुम्हें तिरछी नज़रों से देखेंगे, देख टैली नहीं करती इसकी कैशबुक पासबुक से, ये धोखा करता है, ये चीटिंग करता है। तो तुम्हें हर महीने वहाँ से जैसी वो बैंक की स्टेटमेंट आएगी समझ लो तुम्हारे मुंह पे पड़ने वाली है, वो हर महीने पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो टैली कभी भी नहीं करेगी, और हर महीने तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, रियलिटी में बनानी पड़ेगी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बिना इसके तुम्हारी अकाउंटेंट की जॉब तो नहीं चलने वाली अगर ये नहीं बनाना आता। और ये तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल परेशानी है, इसमें एक चीज़ और होती है वो नहीं बताइए तुम्हें, वो होती है कि थोड़ा जो समझदार अकाउंटेंट होते हैं ना वो ये वाली बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। वो इस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को छोटा कर देते हैं, स्टार मार्क नजर आ रहे हैं कुछ, हमारी गलती है, वो कहता है कि मैं अपने थोड़े पाप पहले धो दूं फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो पहले उसने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना ली, फिर ये सारे के सारी एंट्रियां यहां से वो गायब कर देगा, वो कहेगा मैं अपनी एंट्री अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता हूं, मेरी मिस्टेक है, मैं अपनी इतनी एंट्री कहां पे रिकॉर्ड कर लेता हूं कैश बुक में, और वो बना देता है अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का मतलब है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से हमें अपनी जो गलतियां पता चली हमने उन गलतियों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ठीक कर दिया, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी, ये एंट्री मिस हो गई थी हमने बुक्स में कैश बुक में एंट्री करा दी, ये वाली एंट्री डायरेक्ट पेमेंट की मिस हो गई थी हमने कैश बुक में एंट्री करा दी, ये वाली सारी एंट्री तुमने कैश बुक में कर दी, अब ये पासबुक में तो नजर आ रही थी कैश बुक में भी नजर आने लग गई, तब आपकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट छोटी सी बनेगी, सिर्फ वो स्टेटमेंट बनेगी जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और कितनी एंट्री नजर आएंगी उसमें, सिर्फ दो एंट्री ये और बैलेंस नजर आएगा, देखो जी हमारा कैश बुक का बैलेंस सब चेंज हो जाएगा, ये थोड़ी बैलेंस रहेगा, तब जब तुम्हारी एंट्री चली जाएंगी तो बैलेंस आपका कैश बुक का चेंज हो चुका होगा, और उसके सिर्फ दो मिस्टेक के साथ आप अपनी पासबुक अपने उसको स्टेटमेंट को लालाजी के अब मुंह पे हम मार देंगे कि देखो जी हमारी कोई गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं निकली हमारी, सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक चेक नहीं लगा और एक हमारी पेमेंट नहीं हुई, बाकी तो हमारे अकाउंट एकदम परफेक्ट है। ऐसे हमारे ऊपर झूठे इल्जाम ना लगाया करो, हम चीटर नहीं है। क्लियर है, यह इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट।